पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी के हिरण्यकश्यप और हरिनाक्ष नाम के दो पुत्र थे। हरिनाक्ष भगवान विष्णु द्वारा देवी पृथ्वी को बचाने के लिए मारा गया था। भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसे वरदान प्राप्त हो गया कि उसे कोई नर या पशु नहीं मार सकता है। उसे घर में या घर के बाहर, जमीन पर या आसमान में भी कोई नहीं मार सकता है। उसे अस्त्र या शस्त्र से दिन या रात में भी नहीं मारा जा सकता था। इस वरदान के कारण वो स्वयं को ही भगवान समझने लगा और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उनको हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वो असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो उसने प्रह्लाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा। उसके मना करने पर हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई प्रकार की यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रह्लाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रह्लाद से कहा कि वो विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रह्लाद नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि यदि तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं, तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसने उस खंबे पर प्रहार किया। तभी उस खंबे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा नर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली बेला थी। हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ तो न उस समय दिन था न रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था और न ही घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखूनों से मारा गया। किसी नर या पशु ने नहीं, आधे नर और आधे सिंह स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह ने मारा। न वह जमीन पर मरा और न ही आसमान में। उस समय वह नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और असत्य पर सत्य की विजय हुई। फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई। मान्यता है कि जो भी आज के दिन भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना कर इस प्रसंग को सुनता है, उस शत्रुओं के भय से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।